मंगलानंद सव्य सिंगणम हवै मंगलम जय जगजीव जोड़ी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंधो जय जग पियानो जय सुयाण भव तीर्थयराणम अपच्छिमो जय गुल्लो गान जय महप्पा महाकृति कल्याण बाघवारा मृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोज रविन्देव वंदेहम यातमिन्द्रम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाविष्कार ददायिनि सर्वलब्धि निधाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञान देविरंधन ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे धर्मलाभ अक्षले उगय श्री नवकार सिंह भोर सिंह साठपुर सिंह सुरेगे गुरुगुटे सुंदर स्काई उगय श्री चौवे प्यार प्रेम प्यार असम सागर उतर सदस्य देगण आय बिलम पचकाय विगर सागर लगा लम गेर तस के तुम द्वार दम सदस्य एकास्तम व्यास्तम पचकाय ते विहार प्यार उसु कम सागर नवकम सन गुरु वचन द्वार दम सदस्य देगण मनस लेवन आलिन सु बहुलन वास ससिकन वास सिकन वास सिरे धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 6 अगस्त को रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय जैना की उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र की चल रही है और 30वां अध्याय 30th चैप्टर जो है तपो मार्ग गति का चल रहा है। तप 12 प्रकार के है, 6 बाह्य तप है और 6 आभ्यंतर है। हमने बाह्य का डिवीजन कंप्लीट किया, अभ्यंतर तप के अंदर हम चले हैं। अभ्यंतर के अंदर आपने प्रायश्चित के बारे में कल सुना पश्चाताप के भाव में, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। देखिए यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर पश्चाताप का भाव आना चाहिए। ये जो है कन्फेशन है, अब ये कन्फेशन के अंदर जो है पहले मन के अंदर अपने दिल में जो पाप किया है उसके प्रति पहले पश्चाताप तो जगना ही चाहिए सर। पश्चाताप पूर्वक का प्रायश्चित होगा तो रिजल्ट आएगा। सेकेंड स्टेज में आप जब जाते हो यहाँ पर, अब ये आपको प्रायश्चित तो लेना है, ये आप प्रायश्चित करेंगे। हाँ, पश्चाताप आपको खुद को करना है और प्रायश्चित गुरु महाराज देंगे, ये उनका काम है, गुरुओं का काम है, वो देंगे आपको। आप अपने मन से प्रायश्चित नहीं करें। ये सर्जन कैन डू द सर्जरी कहलाया, by your own self you cannot do the surgery, either it may be the small surgery of the cataract but you can't do yourself। आपको सर्जरी तो दूसरों के हाथ से ही होती है ना। तो पश्चाताप जो है, जो पाप मैंने किया है, जो गलती मैंने की है, already I have committed that, तो उसके लिए मुझे मेरे अंतर मन में पश्चाताप का भाव होना जरूरी है और बाद में मैं अपनी तरफ से प्रायश्चित लूं और उसमें से बचूं। तो पश्चाताप से क्या होगा, अगर आप पश्चाताप की धारा शुरू कर रहे हैं तो एक पाप अगर ये जो बंद रहा है, अगर बंद रहा है और आप तुरंत उस समय पश्चाताप कर रहे हो
तो ये पाप जो आपको तीव्रता के साथ 10 करोड़ बरस का जो पाप बन रहा था, अब वो घट करके आपका 1 करोड़ बरस का ही रह जाए। तो ये जो है पॉसिबिलिटी है कि ये अब आपका पाप जो है थोड़े से प्रमाण में डल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब इतने भाग में 1 करोड़ बरस का बचा, लेकिन 10 करोड़ बरस का नहीं हुआ। तो ये आपको लग रहा है, लेकिन आप इसमें से काफी कुछ घटा सकते हो। तो ये पश्चाताप आपका काम करेगा। तो पश्चाताप में 10 करोड़ बरस का माइनस करके आप अपनी तरफ से 1 करोड़ बरस की लिमिट पर आए। लेकिन अब 1 करोड़ बरस का भी अगर आपको घटाना है, इतना भी आपको नहीं रखना है, तो उसके लिए फिर सेकंड स्टेप शुरू होता है प्रायश्चित का। अब आप सेकंड स्टेप में प्रायश्चित करेंगे, ये प्रायश्चित आपका हो जाए तो 1 करोड़ बरस का भी यहाँ फिनिश हो सकता है। ये डिपेंड्स कि आप कर रहे हो कितने प्रमाण में कर रहे हो। उसके लिए महावीर ने ये व्यवस्था दी है कि आपका ये पाप यहाँ फिनिश हो गया, कर्म समाप्त हो गया। अब आपको आगे भविष्य में जाकर के उस कर्म का फल विपाक भुगतना नहीं पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट में बेनिफिट हुआ, सोचिए समझे कि नहीं। ऐसे करके हमको ये हमारी आत्मा पर जो जो कर्म जिस जिस प्रकार के जैसे लग गए हैं, अब इसमें आपको ये देखना है कि मेरी आत्मा पर अब जो जो पाप कर्म हो गए हैं और ये मैंने किया है, अब ये हो गए हैं तो कर्म तो बनते हैं सब। अब ये कौन से कर्म बनते हैं, सबको आपको अपनी अपनी तरफ से देखना है कि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई है, ये दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति बंधी हुई है, अब आपका मोहनीय कर्म है और इसकी कर्म प्रकृतियां बंधी हुई है आपकी, ये आपका अंतराय कर्म है और इसके अंदर की कर्म प्रकृति आपकी बंधी हुई है, ये नाम कर्म की प्रकृति है। आपने किस तरह से छठे के अंदर गोत्र कर्म है, अब इसके अंदर से भी सातवें में वेदनीय कर्म की जो कर्म जैसी प्रकृति बंधी है सर, इन सात के बारे में आपको डिसीजन लेना है। अब कौन से कर्म प्रकृति आपको जिस तरह से अब आप इसमें उपयोग कर रहे हैं, ये आभ्यंतर तप। अब आभ्यंतर तप के अंदर आप भी जान रहे हो कि कितने 6 प्रकार इसमें है। अब नंबर 1 पर आपने प्रायश्चित पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित किया, वो भी आपके इसमें से निद्रा कराए। अगर ये आपने किया है इसमें से निद्रा कराए या वो इसमें से निद्रा कराए, आपको जिस कर्म का क्षय करना है आप कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर ये प्रकार आया है विनय, ये भी आपके लिए कर्म निद्रा कराने वाला है। तीसरे नंबर पर आया है वैयावच, ये भी आपके लिए कर्म क्षय कारक उपाय है जिससे आप कर्म की निद्रा कर सकते हो। ये चौथा प्रकार जो है ये स्वाध्याय का है। अब स्वाध्याय से आपको कितने कर्मों की निद्रा करनी है कर सकते हो। अब इधर जो है ये पांचवा प्रकार जो है ये ध्यान का है। अब ध्यान से आप किस कर्मों की निद्रा करना चाहते हो, और छठा प्रकार कायोत्सर्ग का।
ये आपको छह प्रकार बताए गए हैं। अब छह प्रकार के अभ्यंतर तप है। अब देखिए, इधर कोई उपासाय मिल एकाशना व्याशना की बात नहीं है, वो हमने बाह्य तप के डिवीजन में कर ली है। तो यहाँ अब आप किस तरीके से ये सब क्या है देखने जाओ तो आत्मा के गुण है, और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते लाते आचरण करते करते आप निजरा काफी कर सकते हो। लक्ष्य तो क्या है, तप करके कर्म क्षय करना। अब बाह्य भी करो तो भी आपका उद्देश्य अल्टीमेट गोल एक ही है, अभ्यंतर भी करो तो भी अल्टीमेट गोल तो आपका एक ही है कि मुझे इतने कर्मों की निजरा करनी ही करनी। इसलिए आत्मा तप कर रही है, शरीर तो साधन है, शरीर माध्यम है। तो यहाँ पर अब हम दूसरे प्रकार में आ रहे हैं, विनय गुण के अंदर आपने देखा है। तो यहाँ पर अभ्युत्थानम अंजलि कर्णम तहे वासन दायणम गुरु भक्ति भाव सुसुसा विनो ए सभी आही ओम। हाँ जी, देखिए, गुरु महाराज हो, रत्नाधिक आदि कोई भी ज्येष्ठ बड़े हो, उनके आने पर मैं खड़ा हो जाऊं, मैं हाथ जोड़कर उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करूं। અને નીચે આ તો બારના ભાવ મેં ઉનકો આસન વગેરે કે બેઠને કે લિયે દું, અબ હમારે સે બડે હૈ, મેં ભાવ પૂર્વક ઉનકી શુશ્રુષા પૂછો, યે હમારા વિનય ગુણ હૈ, સમજે। તો વિનય ગુણ કી દ્રષ્ટિ સે હમે જબ યે જો બિહેવિયર હમે કરના હૈ, આચરણ જો હમે કરના હૈ, इसमें आपके बरोबर आत्मगुण का आचरण हो रहा है। विनय आत्मा का गुण है, भैयावच आत्मा का गुण है। आप गुण का आचरण करो, ये आत्म धर्म है। तो उसके ऊपर लगे हुए कर्म की निजरा निश्चित हो। तो जो गुण है, जिस गुणों पर आप लक्ष्य देकर बरोबर आचरण करो तो बरोबर निजरा होती है। पहले होगी, नहीं क्यों होगी सब। अब देखिए, यहाँ पर हमारे से बड़े बुजुर्ग कौन हैं, हमारे से उम्र में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, कई तरीके हैं ऐसे, तो ये आपको देख लेना है। जरूरी नहीं है कि खाली आप साधु जीवन में ही देखो। आप गृहस्थी हैं, घर संसार के अंदर बाप बेटा, माँ बेटी, भाई बहन, बड़े पूरा परिवार है ना घर में, तो पूरे परिवार में आपको देखना है, तो ये ख्याल आ जाएगा आपको। तो इसमें अब यहाँ पर जो है भक्ति भाव पूर्वक प्रगटीकरण है। अब इस सूत्र के अंदर विनय के सात भेद देखिए, ज्ञान विनय है, दर्शन विनय है, चारित्र विनय है, मन विनय है, वचन विनय है, काय विनय है, लोकोपचार विनय है। आ रहा है ध्यान में, जब ज्ञानोपार्जन कर रहे हो तो ज्ञान के समय विनय का गुण है। अभी देखो, हमारी क्लास चालू हुई और आरती बहन ने वंदना की, ये क्या है, ये ज्ञान विनय है। जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है, शास्त्रों का ज्ञान है, ये आगम का ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये आपको ग्रहण करना है, तो वंदना पूर्वक आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो वंदना करके आप अपने ज्ञानावरणीय कर्मों की निजरा कर रहे हो, और फिर आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, तो वो ज्ञान गुण डायरेक्ट आपके आत्मा में अच्छी तरह से सेट हो सके। कई बातें हैं, कई बार हमको समझ में ही नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है, हमारा ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म भारी है। कई बात कई लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाती है, किसी के लिए हमको दो बार रिपीटेशन करना पड़े, किसी को वही बात तीन बार घुटानी पड़े, ऐसा होता है, सोचिए समझे कि नहीं। तो हमें कर्म निद्रा तो करनी है। अब आप लोग, कई लोग ऐसे हैं, बोलते हैं भाई साहब हमारे से तब तो नहीं होगा, मतलब क्या आयुर्वेद उपवास एकाशना तो नहीं होता है, हमारा शरीर ऐसा है, रोग बीमारियां ऐसी है, दवाई खानी पड़ती है,
दिन रात दवाई लेनी पड़ती है तभी हम जीवन जी रहे हैं, ये आपको लगता है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन आप समझ जाइए, बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए, आपसे उपवास आयमिल एकाष्टा नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं। महावीर स्वामी ने ये छह प्रकार अभ्यंतर तप के भी बताए, आप वंदना करिए उससे भी आपके कर्म क्षय होगा। अरे भाई आप मंदिर जाते हो, क्या मंदिर में भगवान का थोड़ी भला होने वाला है, भगवान को क्या प्लस पॉइंट मिलने वाला है? आपको भगवान को देख करके हाथ जोड़ने का मन हुआ, नतमस्तक होने का मन हुआ, आपको भगवान के चरणों में क्षमा स्मरण देने के लिए वंदना करने की इच्छा हुई, आपने एक बार वंदना की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, आपने तीन कमासने दे करके आपने वंदना की, आपकी कर्म निजरा हुई है ना, भगवान की नहीं हुई। भगवान तो ज्ञानी हो चुके हैं, भगवान का कर्म क्षय होकर भगवान केवल ज्ञानी बन चुके हैं, कर्म क्षय निजरा आपकी हो रही है, लाभ आपको होना है। तो अब हम वहां पर जब भी जाए साहब, सभी देवी देवता साधु साध्वी आदि भगवान के समवसरण में भी जाते हैं तो सभी पहले भगवान को वंदना करते हैं, फिर परमात्मा की देशना श्रवण करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन चल रही है। आज की जनरेशन आते आते भी हम लाखों वर्षों से इसी सिस्टम से ज्ञान स्वीकार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये वंदना करना ये हमारा एक आत्मा के गुण का प्रैक्टिकल आचरण हो गया है। आपके भावों में विनय गुण आएगा, आपके वचन की लैंग्वेज में विनय गुण आएगा, आपके मन के मानसिक थॉट्स विचारों में विनय गुण आएगा, आप फिजिकली जो है कायिक विनय में खड़े होना है, हाथ जोड़ना है, सिर झुकाना है, पंचांग प्रणिपात से खमाष्टा देकर सिर जमीन पर झुकाते हो, तो ये वंदना है ना, ये आपके कर्म क्षय में सहयोगी बन रही है। चलो इतनी आपने तीन बार वंदना की खमाष्ट दे करके, तो आपकी 3% भी अगर कर्म के निजरा होती है तो आत्मा के लिए कितना बड़ा फायदा है। इतने वर्षों से, इतने जन्मों से, इतने वर्षों से संचित कर्म जो बने हुए हैं अब उनके निजरा करनी है आपको, तो कर्म क्षय तो करना ही करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? हाँ जी। अब ज्ञान का विनय, फिर दर्शन का विनय, चारित्र। अरे भाई ज्ञान के उपकरण है ना ये, आगम शास्त्र ऑलरेडी प्रिंटेड है तो ये भी तो आगम शास्त्र बन गए, इनका भी तो हमें विनय वंदन नमन करना है कि नहीं, इनके प्रति भी रिस्पेक्ट रखना है, वंदना ये रिस्पेक्ट सूचक भी है। चारित्र विनय, ये चारित्रधारी आत्मा हमारे से बड़ी है, ये चारित्रधारी आत्मा हमारे से बड़ी। बड़ी मतलब क्या भाई, मेरे को दीक्षा लिए 10 बरस हुए, ये हमारे से बड़े 20 बरस हुए इनको दीक्षा लिए, ये साधना के साधु जीवन के अंदर 50 साल से है, तो ये आप जरूर समझ सकेंगे। तो उनके प्रति आपका विनय भाव है, हमारे यहाँ नियमित व्यवस्था है छोटे बड़े के साथ में विनय भाव से व्यवहार करने की। अब इसी तरह से मन में मानसिक भाव आपने विनय के लाए, लैंग्वेज में वचन योग के अंदर आपने लाए, फिर फिजिकली कायिक क्रिया के लाए, अब लोकोपचार में लौकिक व्यवहार के अंदर भी बड़े छोटे को हाथ जोड़े, छोटा बड़े को हाथ जोड़े, बेटा बाप को हाथ जोड़े, बेटी माँ को नमस्कार करे, चरणों में नमस्कार करे, ये लोकोपचार का विनय लौकिक व्यवहार में भी है। तो इधर आप समझेंगे गुरु महाराज है, स्थविर है, रत्नाधिक है। स्थविर का मतलब क्या हुआ कि जिनको दीक्षा लिए 20 बरस से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया है और वो अपनी तरह से एक कोई ज्ञान से साधक है, कोई दर्शन के साधक है, कोई चारित्र गुण के अंदर आगे है, तो कोई ज्ञान में रत्नाधिक है, कोई दर्शन में रत्नाधिक है, कोई चारित्र में रत्नाधिक है, तो इस तरह से उनका भी वंदन नमन हम करते हैं, हमारे कर्मों की निजरा हो सके, समझे कि नहीं? तो ये भी अच्छी तरह से करना है। अब उनके समक्ष हाथ जोड़ना है,
उनको आसन देना है, आइए पधारिए कहना है, उनकी अनन्य भक्ति सेवा करनी है, श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का श्रवण करना है, भाव पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। ये सब हम करते 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 साधक अपनी कर्म निद्रा खुद कर रहा है। आभ्यंतर तप कर्म क्षय के लक्ष्य से है, ये जरूर ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर जो है छोटे बड़े का व्यवहार अभिनय का आचरण करने से क्या होगा, मान अहंकार ईगो जो है वो अंदर से परसेंटेज रिड्यूस होते हैं, घटते हैं। ये फायदा विशेष जरूर होता है, समझे कि नहीं। अब विनयवान मुनि के आत्मा पर जो है वो तो उनका तो है ही, लेकिन उनको नमन करने में हमारी नम्रता विनय आदि के कारण जो है ये विशेष लाभ है। चलिए अब आप इसी के अंदर आइए, ये थर्ड नंबर है भैया वच्च। ये जैन धर्म का स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल वर्ड है, क्या ले आपकी भाषा में आप उसको जो है सेवा कह सकते हो, क्या ले किसी की सेवा करना भैयावच करना। तो ये कितने प्रकार से हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट है विजय भाई, क्या ले कि नहीं। लोग उपवास शामिल कर सकते हैं, लेकिन विनय भैयावच करने में जो है इतनी जल्दी सरलता नहीं आती है, क्या ले। एक भाई साहब ने कहा कि मुझे 3 उपवास का तेले का पचकांडो। मैंने कहा चलो एक काम करो, आप 3 दिन तेला उपवास न करते हुए इतने साधुओं की सेवा भक्ति भैयावच कर लेना साहब। नहीं 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 महाराज साहब, मेरे को 3 उपवास का पचकांड दे दो, मैं 3 उपवास कर लूंगा, ये कौन झंझट करने बैठे साहब। तो उनके अंदर विनय भैयावच के भाव नहीं प्रकट हो रहे, ये समस्या है, सोचिए समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इसका विशेष वर्णन कर रहे हैं, आय रियवाई वेयावच्चमी द सभी हे आसेवणम जहाथाम वेयावच्चम समातमाहियम। तो यहाँ पर देखिए वेयावच्च करने के लिए आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हो, तो ये यहाँ पर बताई है 10 प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से भैयावच करने का चांस मिल सकता है। इनके अंदर जो है 10 प्रकार में आप देखेंगे, हमारे दूसरे भी आगम है ठाणांग सूत्र, क्या उसके अंदर भी इस प्रकार के 10 प्रकार बताए गए हैं सर। अब इन 10 प्रकारों के अंदर आप देखेंगे तो आचार्य भगवंत की भैयावत सेवा करनी है, अगर ऐसा मौका मिल जाए आपको, बड़ा अच्छा चांस मिल जाए कि बड़े आचार्य श्री की भैयावत सेवा भक्ति करनी है, चलिए साहब। अगर किसी उपाध्याय जी महाराज की सेवा भक्ति भैयावत करनी है, चलिए साहब। अगर कोई तपस्वी महात्मा है, बड़ी तपस्या करने वाले, बड़ी बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी संख्या में उपवास आदि या अम्बिल आदि बड़ी तपस्या करने वाले हैं, उनकी सेवा भैयावच करनी है। आपको स्थविरों की भैयावच करनी है, स्थविर अभी हमने बात की 20 साल से ऊपर का चारित्र पर्याय हो गया है, ज्ञान के अंदर भी कोई स्थविर बनकर मेरे से बड़े बने हैं, तो मैं उनकी भी सेवा भैयावच कर लो साहब। चलिए अब आप सोचिए कोई ग्लान है, बीमार है, उनको कोई फिजिकली बीमारी है, तो मैं उनकी भी चरण सेवा, कभी सिर दबाना है, पैर दबाना है, मालिश करनी है, मसाज करना है, कभी उनको और कोई सेवा की आवश्यकता है, दवाई उपचार आदि की है, मैं अनेक तरीके से बीमार कोई भी हो किसी की भी मैं भैयावच कर सकता हूँ। चलिए शैक्षक कहते हैं कि नूतन दीक्षित है, अब नई नई दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर साधु बन तो गए हैं, लेकिन उनको भी अगर कोई बीमारी लागू हो गई, तकलीफ आ गई, तो चलो मैं उनकी भी सेवा भैयावच कर लूँ, समझे कि नहीं। अब कुल समुदाय है,
एक कुल के अंदर 10-20 साधु है, 5 साधु है, अलग अलग कम ज्यादा संख्या में है। चलो भाई आज उनके अंदर 2-4 साधु की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी वैयावच कर लो। क्या उनके अंदर कैसे उनके जो है उनकी तकलीफ रोग बीमारी दूर हो, क्योंकि महात्मा है, कल वे ज्ञान प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, समझाएंगे कई लोगों को, तो ये मैं कर लू, सोचिए समझे कि नहीं। अब गण है, एक समूह में समुदाय है, समझे कि नहीं, तो उनकी वैयावच में कर लू। अब एक गण में आप गए, साधु का गण है, साध्वी जी का गण है, एक समूह है, ग्रुप है, समझे कि नहीं। आपके परिवारों में देखिए, बड़े छोटे आदि जो मिल जाए, समझे कि नहीं उनके। अब 9वें नंबर पर संघ है, संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ है। अब भाई सबका ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी हो, समझे कि नहीं, सबके लिए हम ध्यान रख करके उनके अनेक जो है परिवारों का समूह होता है, चलो उनकी सेवा कर लो, समझे। अब लास्ट नंबर 10वां प्रकार आए, साधर्मिक बंधु है, कोई परिवार है, कोई कमजोर परिवार है। अब वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है या अन्य किसी भी दृष्टि से अगर कमजोर है तो हमारा कर्तव्य है, एज बीइंग ए जैन, मैं खुद जैन हूं तो मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे हमारे ही जैन बंधुओं का परिवारों की सेवा भक्ति वैयावच करनी चाहिए सब। ऐसे में किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है उनका पुण्य कुछ है, उनका पुण्य कम रहा, उनके पास इतनी सुख संपत्ति समृद्धि नहीं बढ़ी, वो तो अपना अपना पुण्य है, सबका अपना अपना कर्म है, तो चलिए साहब मैं उनकी भी तो सेवा भक्ति कर सकता हूँ ना, थोड़ा उनके लिए भी, अगर उनके घर में कोई है, एक भाई साहब 80 ईयर्स की उम्र में अगर बुजुर्ग है तो मैं उनकी सेवा करूँ, ये मुझे करना ही करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर्तव्य समझ के करिए आप। अब क्या होगा साहब, इन तरह से ऐसे 10 संयमी अथवा गुणवान पुरुष हो, गुणानुराग से, अब शरीर द्वारा उपभोग परिभोग योग्य पदार्थों द्वारा सेवा भक्ति करने में, उपासना करने में, या उनकी क्या जरूरियात है, क्या औषध उपचार की आवश्यकता है, या आहार पानी की आवश्यकता है, या कोई निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने बैठे, ये है आवश्यकता, तो पूर्ण तरीके से उन्हें मैं शाता कैसे पहुंचा सकता हूँ, ये मुझे देख करके अब संयम साधना में सहायक कैसे बनूं, तो ये चारित्रवंत आत्मा है। अब ये चारित्र में ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अपनी रोग बीमारियों से जरा थोड़े से पीछे हट जाते हैं, इनकी गति इतनी आगे तीव्र नहीं बन पाती है, तो ये लक्ष्य आपको रखना चाहिए, समझे के लिए। ऐसे करके हम उनकी भी, उनकी समाधि कैसे टिके, उनके सद्भाव कैसे टिक जाए, वो अपनी आराधना से वंचित न रह जाए, तो उसके लिए हमें करना ही करना चाहिए, समझे के लिए। हाँ जी, वैयावृत्य करने का परिणाम क्या आएगा, तो उसमें ये 29th में ही पूछा गया था कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म उपार्जन कर सकते हैं, वैयावच अंतर मन से करने वाले बहुत अच्छी तरह से तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन कर सकते हैं, अभ्यंतर तप के अंदर समावेश किया गया है। वास्तव में वैयावृत्ति के परिणाम से साधक ने अनेक गुणों को उपलब्धि है, और फिर जिस तरह से गुण ग्रहण श्रद्धा भक्ति वात्सल्य पात्रता की प्राप्ति और विच्छिन्न सम्यक्त्व वगैरह का पुनः संधान, तप तीर्थ अभ्युच्छित्ति समाधि जिनाज्ञा पालन करना संयम सहायता निर्विचिकित्सा प्रवचन प्रभावना पुण्य संचय तथा कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, ये काफी कुछ लाभ यहाँ पर शास्त्र में बताए हैं वैयावच के
करने से होने वाले लाभ आत्मा को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। मतलब सबसे श्रेष्ठ तो तीर्थंकर नाम कर्मोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टेज के अंदर ये भी सब अलग अलग गुण की वृद्धि है। श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, वात्सल्य बढ़ेगा, पात्रता बढ़ेगी और सम्यक दर्शन की विशुद्धि हो, पुनः संधान हो, तब गुण बढ़ेगा, तीर्थ की अभिच्छति होगी, समाधि भी प्राप्ति करोगे आप। जिन आज्ञा का तो पालन होगा ही होगा, संयम सहाय होगा और दान में निर्विचिकित्सा होगी, प्रवचन प्रभावना होगी, पुण्य का संचय होगा, कर्तव्य का निर्वहन होगा। ये बात ध्यान में रखिए। ये वैयावत तब के महान लाभ अलग तरफ से बताए हैं संजय के लिए। तो ऐसे वैयावत करने वाले स्वयं अनेक गुणों के प्रकट करते हैं और अन्य की साधना में सहायक बनकर वैयावत में स्व पर उभय लाभ करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़िए तो ये आ रहा है स्वाध्याय का प्रकार। हाँ, यहाँ पर पांच प्रकार का स्वाध्याय बताया है। स्वाध्याय वैसे खाली आप इतना ही समझ लेते हो स्टडी से, धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र आदि का आगम शास्त्र हो या अन्य भी सम्यक ज्ञान के वर्धक साहित्य ग्रंथ लिटरेचर आदि की स्टडी करना, ये है स्वाध्याय। अब इसके पांच डिवीजन में जो है इसके अंदर पहले आपको जस्ट वाचना, फर्स्ट वन इज द वाचना लेना टू टेक द लेसन फ्रॉम द गुरुजी, कि मैं टीचर है गुरु महाराज, उनके पास से मैं लेसन ले रहा हूं। आई एम टेकिंग दैट फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन व्हेन ही इज टीचिंग मी, यू सी। तो जब वो आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उस समय आप उनसे एक एक लेसन सीख रहे हो, ले रहे हो, ये यहाँ पर विशेषता से बताया है। तो यहाँ पर दिया है वायणा पुच्छणा चेव तहेव परियटना अनुपेहा दम्भका सज्जा ओपंचहा भवे। तो ये यहाँ पर जो है अलग तरीके से जो इन्होंने बताया है वो आप समझिए। चलिए, वाचना लेना है तो लेसन लेना है, प्रच्छना जस्ट टू आस्क द क्वेश्चंस, if this topic is not clear in my mind, please make me more clear for this. तो ये हो गया आपका प्रश्नना, प्रश्न पूछना है। When you are asking the questions, तो question पूछ करके भी ultimately you are increasing your knowledge. नहीं तो कुछ गलत mind में गलत बात बैठ गई, गलत चीजें बैठा दी, गलत definition आपने कर ली तो भी mistake हो सकती है ना। तो बेटर है कि आप उसके लिए प्रश्नना करके, पूछ करके भी सही आंसर प्राप्त कर लीजिए। तहेव पर, हाँ जी, अब इसी तरह से ये है अनुप्रेक्षा, थॉट प्रोसेस, चिंतन मनन करना है। ऑलरेडी जैसे मोक्ष का विषय आ गया, आत्मा का विषय आ गया, परमात्मा का विषय आ गया, अब उस पर आपके जो है चिंतन मनन करना है। थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। इफ यू आर थिंकिंग फॉर हाफ एन आवर, इफ यू कैन थिंक फॉर मोर देन हाफ एन आवर, तो आपको उसके अंदर स्वयं अंदर से स्फूर्णा चलती है, स्वयं अंदर से अंतस्फूर्णा चलती है। ये आप ध्यान रखिए, समझे कि नहीं। तो यहां पर ये इस तरह से विशेष रूप में ज्ञान कर्म की निद्रा करने का चांस अच्छा है। हाँ जी, परावर्तना, फोर्थ वन इज जस्ट रिपीटेशन। क्या ले, परावर्तना भी स्वाध्याय का ही प्रकार, रिपीट करना ही पड़ता है।
पुनरावर्तन करे, व्हाट आई लर्न यू से कैन आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, तो मैं थोड़े उसमें से जो है तो ये अगर मैं उसमें से विशेष रूप से भी अगर कुछ अभ्यास कर सकता हूं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सोचिए समझे। तो ये करना है हमें और ऐसे करते करते आपको ये देखना है धर्म कथा, फिफ्थ चैप्टर जो है पांचवा धर्म कथा का है, इसके अंदर आपको चरित्र ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के ऊपर जो भी विषय आपके आते हैं, चरित्र सुनिए, किसी की बायोलॉजी बायोग्राफी सुनिए, तो यहां पर आप देखिए कि जिस तरह से ये धर्म कथा स्वाध्याय में एक प्रकार आ गया, तीर्थंकरों के चरित्र आदि ग्रंथ है स्वाध्याय का अभ्यास के लिए, तो ये हमारी तरह से हमारे कर्मों की निद्रा करने में स्वाध्याय एक प्रकार का अभ्यंतर तप है। कई लोग बोलते हैं ना, हमारे से उपवास शामिल नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज हैवी है, आई हैव टू टेक टैबलेट्स एवरी टाइम। तो आप इसमें से बजाय आप स्वाध्याय करके भी कर्म क्षय कर सकते हो, इट इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो। अब ये सभी प्रकार चल रहे, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है, इसके अंदर जब आप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं बहुत कुछ कर्म क्षय कर सकता हूँ, बहुत कुछ अच्छी तरह से निद्रा हो सकती है। हाँ, ये मत बोलना कि मैं when I'm reading the newspaper it is my स्वाध्याय, ऐसी गलती मत करना, ख्याल है कि नहीं? नहीं तो लोग बोलेंगे वॉट एवर थिंग यू सी आई एम रीडिंग द बुक्स, एनी टाइप ऑफ बुक्स, इट मे बी पॉसिबल द मैगजीन है, न्यूज पेपर है, या ऐसा ये नहीं होना चाहिए साहब। जब आप कर रहे हो तो इसमें आपकी आत्मा के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, क्या है, आत्मा के साथ सम्यक ज्ञान का विषय होना चाहिए, तत्व का विषय होना चाहिए, अभ्यास करने के लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के ये भी आपका कर्म क्षय करने में बहुत अच्छा निमित्त बनता है। तो यहाँ पर ये सब अलग अलग तरीके से बताए हैं, ज्ञान विज्ञान आचार निष्ठा श्रद्धा भक्ति वैराग्य श्रुत संपन्नता बहुश्रुतता धैर्य प्रवचन प्रभावना चित्त एकाग्रता आत्मा की धर्म में सुरक्षा अन्य के प्रति धर्म के प्रति सुरक्षित रहना आदि
ये सब हमारे लिए बहुत अच्छे आलंबन निमित्त है। चलिए अब आप यहाँ पर आइए, ये है ध्यान का समझे कि नहीं। अब ध्यान करने में कोई उपाय शामिल आपको जबरदस्ती नहीं है, आप कर भी सकते हो, उपवास करके भी मेडिटेशन कर सकते हो, आयम्बिल करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ना करो तो भी मेडिटेशन आप कर सकते हो। हाँ ये जरूर है कि अब ध्यान के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक जो है शुभ ध्यान होता है और एक अशुभ ध्यान होता है। अभी अशुभ ध्यान के अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है और दूसरे के अंदर आपका शुभ ध्यान जो है, तो शुभ ध्यान के अंदर आपका ये हो गया धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये दोनों ध्यान जो है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हो गए। तो अब आप देखिए आपके समय कितने प्रमाण में कर्म क्षय निद्रा आदि करना चाहते हो तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो वैसे भी नया कर्म बंधाने वाले हैं। लेकिन ध्यान का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन करके उसी विषय पर विचार करते रहे ना, तो ये तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, शुभ में भी हो सकता है अशुभ में भी हो सकता है, दोनों प्रकार है। तो क्या करना चाहिए, मुझे करना कि नहीं करना चाहिए, दोनों बातें यहाँ पर हमको साथ में समझा दी है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि चलो मैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न करो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है, स्ट्रेस एंड टेंशन के विचारों में है आप, सैडनेस के विचारों में है, डिप्रेशन के विचारों में है, तो उसमें भी आदमी एक ही विषय पर रिपीटेडली सोचता रहता है, विचार करता रहता है। हैवी टेंशन किसी के हो, स्ट्रेस एंड टेंशन के, तो वो भी आर्त ध्यान की चिंता है, तो उसमें कर्म क्षय नहीं होता है, नया कर्म बनता है, भारी कर्म बंधता है उसमें, ये भी आप ध्यान दीजिए समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इनको पहले हम कैसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्या लाया? अब धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में आइए। धर्म ध्यान के अंदर भी आज्ञा अपाय विभाग संस्थान के चारों प्रकार से ध्यान होते हैं। इन सबके डिवीजन में वापिस सबके अलग अलग, ये चार डिवीजन, इसके चार धर्म ध्यान के चार, शुक्ल ध्यान के चार, ये सब हम करते हैं तो बहुत कुछ होते हैं। ये कर्म का संसार कैसा है, इसमें भी तो आप चिंतन मनन कर सकते, अरे ध्यान कर सकते हो, ये भी आपके ख्याल में आ जाए, तो इससे अर्त ध्यान से बचें और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आचरण करें सर। ये विशेष लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। तो ये जैसे आप पृथक्त्व वितर्क सुविचार शुक्ल ध्यान है, अब शुक्ल ध्यान के अंदर कई बातें आ जाती है सर, पंचास्थी कायात्मक जगत स्वरूप है, आत्म तत्व का स्वरूप है, इन सब की बातें भी इसमें आएगी। ये बात आ गई, अब लास्ट में ये आ रहा है कायोत्सर्ग। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, ये काया जो है वो शरीर है और उत्सर्ग है इसके अंदर। उत्सर्ग का अर्थ है त्याग करना। अब इसमें किसका त्याग करते हो आप, शरीर का मोह त्याग करो, शरीर का ममत्व भाव त्याग करो, राग दशा का त्याग करो, और मैं अपनी तरह से आत्मा को इस मोह से काया के साथ जो ममत्व बनाकर जुड़ा है उसका त्याग कराना चाहता हूं। तो यहाँ पर कायोत्सर्ग को भी इसी साथ में दिया है, सैनासन ठाणे वा जीव बिखुन वायवरे काय सभी उसको छठो सो परिविकृति ओ। हाँ तो यहाँ पर आपने ये देखिए है, चलिए सोते सोते सोते, बैठे बैठे, खड़े खड़े,
अब तीनों अवस्था में कोई भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं, तो करना शरीर की हलन चलन ना करें, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि ताव कायम ठाणेणम मौनेणम झाणेणम ये तीन कंडीशन से हम उसको विसर्जन कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर वो क्षेत्र से, वस्तु से, शरीर से, उपाधि से, गण से, भक्तपान से, बाह्य पदार्थों का कसाय आदि भाव, संसार का भाव, कर्म विगे और अंतरंग भावों को नियत समय में नियत समय के लिए मैं त्याग करता हूँ, ये है विसर्ग। क्या है? तो अब इसके अंदर द्रव्य विसर्ग और भाव विसर्ग। द्रव्य विसर्ग के चार प्रकार है, शरीर विसर्ग, गण विसर्ग, उपधि विसर्ग और भक्तपान विसर्ग। विसर्ग मैं बोल रहा हूँ त्याग के लिए। तो यहाँ पर द्रव्य से विसर्ग और भाव से विसर्ग में शरीर शारीरिक क्रिया प्रवृत्ति की चपलता आदि का ध्यान त्याग कर रहा हूँ और शरीर के मोह ममत्व का त्याग कर रहा हूँ। आगम ग्रंथों में कायोत्सर्ग करने से जो विधान है वो इस शरीर विसर्ग तप का समाविष्ट विशेष रूप से होता है। गण विसर्ग विशिष्ट साधना के लिए गण का त्याग करके एकाकी विचरण करना, अकेले जाना, श्मशान में कौशक करना आदि अलग बात है। उपधि विसर्ग वस्त्र पात्र आदि उपकरणों का त्याग करना है। भक्त पान विसर्ग आहार पाने का त्याग करना है। तो यहाँ कायोत्सर्ग शब्द है ना, काया का उत्सर्ग। तो मैं शरीर को कितने प्रमाण में स्थिर कर सकता हूँ? आप जब दोनों को साथ में मिलाओगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो आपने अलग से कायोत्सर्ग किया है तो आप लोगस्य गिनेंगे सर, आप नवकार मंत्र का जप करेंगे, या आप कायोत्सर्ग में बिल्कुल स्थिर बैठ करके अनुप्रेक्षा आदि करेंगे। सोचिए, अधिकांश लोग कई बार जो है लोगस, हाँ जी मैं आई विल काउंट 100 लोगस इन दिस कायोत्सर्ग। आप एक सामायिक में कायोत्सर्ग लेकर बैठ जाए और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 100 लोगस का कायोत्सर्ग करूंगा, तो अब आप बरोबर इदियावै तस्सौत्री अन्नत्थ आदि बोलकर या जिस पर्टिकुलर कर्म क्षय का लक्ष्य बनाकर करो तो उस हिसाब से, हाँ जी ये कायोत्सर्ग करने की ही पद्धति बता रहा हूं कि आपने लो सोचा छा कारण संधि सभगुण देव सिय पाए चित्त विसोण तुम कौशक करो, तो आप उस हिसाब से दैवसिक अतिचार के रूप में आप कायोत्सर्ग करना चाहते हैं। आपने दुख खो कम्म खो निमित्तम कौशक करूं, दुख क्षय कर्म क्षय के लिए आप कायोत्सर्ग कर रहे हो, आप अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित के रूप में कर रहे हो, तो वो संकल्प आगे रखिए और फिर जो आपने डिसीजन लिया हो कि मैं 40 लोगस का कर रहा हूँ, 50 लोगस का कर रहा हूँ, 100 लोगस का कर रहा हूँ, एज यू लाइक वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड फिगर फर्स्ट, तो फिर आप अब आप खड़े खड़े कर रहे हो तो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रह के करिए, आप बैठ कर कर रहे हो पद्मासन में बैठ कर रहे हो अर्ध पद्मासन में बैठ कर रहे हो, या शरीर आपका नहीं मानता है और आप सोते सोते कर, एज यू लाइक। करना तो क्या है, वो ध्यान की मेडिटेशन में हमने सोचा था सब कुछ सर्व पदार्थों का त्याग करके सिर्फ आत्मा पर ही केंद्रित होना है, सबका विस्मरण हो जाए और कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यू आत्मा का अखंड धारा में स्मरण होता रहे, उसी को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की डेफिनेशन हुई। अब इस तरह से ये कायोत्सर्ग विधान हुआ, इससे आप काफी कुछ कायोत्सर्ग धर्म ध्यान में कर्म क्षय आदि कर सकते हो। हाँ जी, अब लास्ट में थोड़ा उपसंहार कर रहे हैं। एयम तवं तु दुविहं जे समम आए रे मुनि सोकिप्पम सर्व संसारा विप्पम चै पंडिएम। देखिए, इस तरह से जो मुनि महात्मा दोनों प्रकार के तप, मतलब बाह्य तप और आभ्यंतर तप, जो दोनों कर सके,
या दो में से एक करे या दोनों में से थोड़ा थोड़ा दोनों मिला करके भी करे तो भी, तो वो सही अर्थ में कर्म क्षय करता है, कर्म से विमुक्त होता है, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। हित अहित के विवेक की मुनि और वो अहितकारी प्रवृत्ति का त्याग करे, हितकारी प्रवृत्ति का आचरण करके वो अपने आत्मा का कर्म क्षय करके निद्रा करके आगे बढ़ सकता है। ये यहाँ पर विशेष रूप से बताया। आज विजय भाई ये 30th chapter 30वां अध्याय हम समाप्त कर रहे हैं, फिर वापिस नेक्स्ट क्लास से 31st chapter हम स्टार्ट करेंगे। तो 31st chapter जो आएगा वो चरण विधि का आएगा, ये तपो मार्ग गति का था। हाँ जी बोलिए साहब, जरा टाइम तो इसमें ज्यादा ही लग गया कुछ है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन करने जाते हैं तो टाइम लगता ही है। बोलिए जिसको प्रश्न पूछना है, संघवी जी पूछिए। हाँ गुरु जी, पश्चाताप प्रायश्चित का इंग्लिश वर्ड क्या है? पश्चाताप प्रायश्चित। हाँ पश्चाताप तो कन्फेशन है और प्रायश्चित तो पनिशमेंट है कि आप अपनी तरह से लेकर के उस हिसाब से करो। तो कन्फेशन तो आपको अपने अंतर भाव में कर लेना है, स्वीकार करना है, यस आई हैव कमिटेड दिस सिन, आप ऐसा अपने आप में स्वीकार कर लेंगे और फिर आप उसके लिए पश्चाताप गुरु महाराज के तरफ से जो मेरा मैंने कमिटेड किया है और फिर गुरु महाराज जो पनिशमेंट दे तो उस पर आप ध्यान देकर करेंगे तो आपका प्रायश्चित बरोबर होता है। हाँ बोलो सीता बेटी माता जी, माँ जी बोलो। आपका जो प्रवचन सुन रहे हैं ये भी स्वाध्याय है? हाँ जी बिल्कुल स्वाध्याय है, आगम शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है ना, ये वाचना है। मैं एक एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, मीनिंग समझा रहा हूँ, मैं वाचना ही दे रहा हूँ ना। तो ये शास्त्र आगम शास्त्र का ही अभ्यास है, तो क्यों नहीं करेंगे, पहले स्वाध्याय करेंगे इसको। ये भी तपस्या हो रही है। हाँ जी बरोबर तपस्या हो रही है, सही बात, यू आर राइट। बोलो माँ जी। हाँ साहिब जी, मथे नंदा में 36वां अध्याय में आप श्री द्रव्य ने भाव एम काय स्वर्ग में कीधु, तो भाव में तो समझा चंचलता केवी रीते, तो द्रव्य में केवी रीते लेवानू द्रव्य काय स्वर्ग? हाँ 36वां अध्याय में तमे द्रव्य अने भाव थी। हाँ द्रव्य अने भाव में शू छे कि जे त्याग करवानो छे, बे रीते छे, द्रव्य विसर्ग थी द्रव्य पदार्थ नो त्याग करिए छे ने अपने वस्तुओ नो। केटला टाइम माटे? हूँ अर्धा कलाक माटे आ शरीर नी चंचलता नो त्याग करू छू, मैं 2 कलाक माटे जे छे आहार आदि नो त्याग कर्यो, 4 कलाक माटे उपधि नो त्याग कर्यो, पछी एम करीने आ बधा द्रव्य साधनो छे। तो बाहर थी द्रव्य नो त्याग थाय एटले आ बधी वस्तुओ गणावी छे बस। अजी बोलो नरेंद्र जी पाठिया जी बोलिए। साहब जी ये काय वत्सर्ग, हाँ का शरीर काया जो है शरीर है और शरीर का उत्सर्ग में त्याग करता हूँ फॉर टाइम भी, ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम, तब तक मैं अपनी आत्मा को स्थान से क्षेत्र से मौन पूर्वक त्याग करता हूँ, क्योंकि कसाय आत्मा है ना राग द्वेष आदि ग्रस्त, तो उसको उसमें से बाहर निकालता हूँ। अपानम कायम भोसिरामी, ये बात नामी महाराज। एक क्वेश्चन किसी तपस्वी ने पूछवाया है, पिछले क्लास में यूट्यूब पे थे तो वो पूछ नहीं पाए, वो सिद्धि तप कर रहे हैं और उनको पेट में बहुत गैस हो रही है, तो उसका कोई उपाय फरमा सकते हैं क्या? अब कहाँ पर है त्रिफला मिलेगा? त्रिफला चूर्ण गोमूत्र में बनाई हुई मुंह में रख करके रस उतार सकते। त्रिफला गोमूत्र में मिक्स करके उसकी गोली मुंह में उतारना। हाँ और ये हिंग जो आती है, हिंग ओरिजिनल फॉर्म में हो तो थोड़ी सी मुंह में रख सकते हैं,
और यह 10 ड्रॉप पानी के अंदर घोल करके हिंग को अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। बिना पानी की ही ले सकेंगे, ख्याल है, पानी के साथ नहीं लेना है, बिना पानी के नहीं, तो आहार टूट पशखान टूट ना जाए इसका ध्यान। हाँ, तो वो तो नाभि के ऊपर तो पानी वाली लगा सकते हैं, राइट, बाहर लगाने में। हाँ, मैंने कहा हिंग पेट में ले सकते हैं, त्रिफला के साथ भी हिंग मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन ये घरों में रनिंग कंडीशन की हिंग होती है वो नहीं, वो प्योर नहीं होती है, वो उसमें आटा और गूंद वगैरह मिक्स होता है, चावल का आटा और गूंद गम जो है, इसलिए वो उपवास तोड़ देगा। प्योर फॉर्म में हिंग मिलनी चाहिए ना। तो त्रिफला और गोमूत्र का मिक्स करके उपवास में ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो डॉक्टर साहब। हाँ गुरुदेव, मथेन वंदामी, आपणे आ सामायिकमां कायोत्सर्ग करी शकाय? शकाय नहीं, करवुं जोईए ने, करवामां प्रश्न केम पूछ्यो? ना, एटला माटे तो पछी आपणे कायोत्सर्ग अने सामायिक बन्नेनो फायदो थाय। हा थाय ने, तो सामायिक तो कई तमारी तपमां नथी गणाती ने, ए तो संवरमां छे। सामायिक जे छे संवर कारक छे, नवा कर्म न बंधाय अने कायोसर्ग थी जूना खपे, तो सामायिक मां कायोसर्ग थाय, मेडिटेशन ध्यान थाय, स्वाध्याय थाय, ख्याल आयो? बोलो। हाँ, इला बेन जी, बोलो। लाभ बन्ने नो मळे? हाँ, बन्ने नो मळे। हाँ, बस आंटी नो जो क्वेश्चन हतो एमां ज पूछू तू के संवर कर्या पछी आपणे जे कई अंदर करीए दैट कंसीडर एज अ संचित कर्म का क्षय होगा। हाँ, आरती बहन बोलिए। मेडिटेशन मन नो चंचलता केवी रीते बंद करवानो? मन जो है ना, देखिए, पहली बात, मन एक जड़ पदार्थ पुद्गल का बना हुआ है, इट इज नॉट चंचल। आत्मा के अंदर कर्म का फ्रीक्वेंटली उदय आने से मन आपका चंचल हो रहा है। चंचल मतलब मीन्स वॉट? विद इन ए मोमेंट यू आर थिंकिंग ऑन अनदर सब्जेक्ट एंड विद इन अनदर मोमेंट यू आर थिंकिंग ऑन अनदर सब्जेक्ट। So that is jumping from one subject to another subject, one object to another object. If frequently itna fast of man ka idhar udhar daudna, that is called chanchalta. Khala hai, aap us par mat jaiye. When you will decide yourself to do the meditation for soul, for Paramatma, see that if you will sit in the samayik, and try to see that Adinath Bhagwant of Palitana. I just visited there. मैंने यात्रा की है, तो मैं पालीताना के आदिनाथ भगवान का स्मरण करूं। अब वो constant and continue for 10 minutes, for 20 minutes, for 30 minutes as you like. लेकिन आप बरोबर करते रहेंगे तो आपके लिए वो meditation अच्छा हो जाएगा, तो मन की चंचलता भी दूर हो जाएगी। माइंड्स अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उससे आपके मन के अंदर के बाकी के सब विचार के दरवाजे बंद हो जाए। सर जी, एक चैट में है कोई प्रश्न, इला जी आपका है प्रश्न ये चैट में? नहीं, सो somebody has given this, लेकिन क्लियर नहीं है। इन अतिचार वी हैव कर्मक्षय, अतिचार में कैसे कर्मक्षय हो, लेकिन निमित लोगस दस विश नो काउसर्ग की दो, हाउ डू वी डू दिस काउसर्ग? ये इसी के लिए है कि जब आपको अतिचार मतलब कोई भी दोष लगा है, उसके लिए हमारा आचार है कि आइदर 10 लोगस और 20 लोगस और एज यू लाइक, आपको कायोसर्ग करके उस दोष के लिए मैं क्षमा याचना करूं। तो उसके लिए आप, यू मस्ट डिसाइड योरसेल्फ फर्स्ट, आइदर डू यू वांट टू डू ओनली फॉर 10 लोगस का अवसर, चलिए करिए, तो उसके लिए मैं
दिन भर के कर्म का क्षय करने के लिए मैं अवसर करता हूँ। देवसिक पाप कर्म क्षयार्थम कौशक करूं और फिर आप कौशक करे में कौशकम बोल करके अन्यथ बोल के अपानु भूषगामी करके आप दस लोगस का धारणा किए दस लोगस करिए, बीस लोगस की धारणा की है बीस लोगस का कौशक करिए, वो पर्टिकुलर उन अतिचार दोषों के निवारण के लिए अच्छा उपाय है। Any other questions? Sahibji, कोई questions? नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो बच्चायानम नमो लोहे सब साहुनम एसो पंच नमो कारो सब पाप पनासम मंगलानम च सब्बे सिंबरम भवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोदम लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवज्यामि हरिहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवज्यामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जय जयति शास्त्री।